ये सब्सक्राइब करें ANT नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT। देर शाम कांग्रेस के लोक संपर्क अभियान के तहत हांसी के दयाल सिंह कॉलोनी में पहुंची विधायिका रेणुका बिश्नोई। बिश्नोई के साथ कांग्रेस के नेता विनोद मेहता भी उनके साथ नजर आए। आइए जानते हैं हांसी के विकास को लेकर क्या कहना है मोहतरमा का, क्या कहना है उनका एक बार फिर हांसी विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर। देखिए, ये तो हमारा वो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, लोकसभा की तैयारी चल रही है। अभी से नहीं, पिछले एक सवा साल हो गए। तो ये कि पहले दोनों भाजपा के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और इस बार लोकसभा की जो सीट है उसको भी और मजबूती देने का काम कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। और राहुल जी को बेटे जी का मतलब इस बार उतार, राहुल जी का और प्रदीप जी का, उनके दोनों के आशीर्वाद से भव्य बिश्नोई को यहाँ से लड़ाने का हमने फैसले किए, और बाकी तो फाइनल डिसीजन तो राहुल जी का होगा। तो विधानसभा के लिए किसको आप कैंडिडेट मान रहे हैं? देखिए, विधानसभा के तो वो भी हाईकमान का ही फैसला है, और भव्य का भी हाईकमान का ही फैसला होगा। मतलब अभी डिक्लेयर नहीं, विधानसभा में कौन रहेगा? नहीं, अभी तो हमारा उस पर सोच विचार कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अभी तो सारा फोकस लोकसभा का है। क्या आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो तो हांसी की जनता जो भी डिसाइड करेगी, वो तो फैसला हांसी की जनता का होगा। मतलब विकास पे रोक क्यों लगी हुई? आप विधायक हैं, उसके बाद विकास पे पूरा, मतलब जब से आप आई पूरा शहर, मतलब एक नहीं, जब से मैं आई हूँ या शुरू से ही है? नहीं, 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 आपके आने के बाद तो काफी ज्यादा मतलब विकास रुक गया। मैडम, तो पहले क्या क्या विकास हुए थे यहाँ? फिर भी मतलब इस तरह नहीं, और ये जो विकास कार्य तो मुख्यमंत्री जी कितनी बार आते हैं, आप लोग उनसे सवाल नहीं करते, क्या बात है? मैं आपको ये बताता हूँ कि 90 के 90 हाल, सिर्फ ये नहीं कि हांसी में काम नहीं हो रहा, ये 90 के 90 हलकों में कहीं भी नहीं हो रहा। और ये जो 9 विधानसभा है, ये इसका तो इन 9 विधानसभा के बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं उचाना भी गई हूँ, नारनौत भी गई हूँ, हिसार में भी जो कमल गुप्ता जी वहाँ से विधायक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष की हूँ, सिर्फ इसलिए काम नहीं हो, काम कहीं भी नहीं हो रहा। विधायक रहने आपने हांसी के लिए क्या किया मैडम? देखिए, मैंने प्रयास पूरा किया जो एक ऑपोजिशन के विधायक को करना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात हो, और जो भी डी प्लान के पैसे से जो भी काम होने चाहिए थे, वो एक एक लेटर, एक एक गांव की जो डिमांड है, मैंने DC साहब को भेजी है, और ये विधानसभा में जो बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के लेवल के, वो सबके समय ने विधानसभा में उठाए। हांसी की जनता की आवाज मैडम इस बार के मतलब वो इस इलेक्शन में किसी बाहरी व्यक्ति को मतलब अपना कैंडिडेट बनाए, उन्होंने कहा कि गलती की पहले आपको बना के, इस बारे में आपका? देखिए, मैं हांसी की जनता को कहना चाहती हूँ कि जो मैं यहाँ से चुनाव मैंने लड़ा है, मैं कोई MLA बनने के लिए नहीं लड़ा था वो चुनाव, क्योंकि मैं आदमपुर से तो विधायक थी, और मैं चुनाव कहीं से भी लड़ सकती थी, बरवाला से लड़ सकती थी, नलवा से लड़ सकती थी, हिसार से लड़ सकती थी, और हांसी से भी लड़ सकती। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि हांसी एक हमें, मैं एक सिर्फ एक वोटों की राजनीति नहीं मानती, एक मेरा हमारा एक परिवार है। तो मैं MLA बनकर यहाँ की जनता की सेवा करना चाहती थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात, चाहे मेरे लिए बोलो या हांसी की जनता के लिए बोलो, कि हजका पार्टी में सिर्फ 2 MLA और विपक्ष में थे, और ये विपक्ष में तो हमारी भी एक बहुत हद तक मजबूरियां रहती, क्योंकि एक तो MLAs के पास ग्रांट नहीं होती, तो छोटे से छोटा काम के लिए भी हमें या तो DC को लिखना पड़ता है या मुख्यमंत्री जी को लिखना पड़ता है। जी, उपचुनाव के अंदर सुरजेवाला ने मतलब तो आरोप लगाया, भीतरघात की बात कही है मैडम, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीतरघात सभी के सभी नेता वहाँ लगे हुए थे, कोई भीतरघात की बात नहीं थी। अब जो उनको लगे थे तो वो तथ्य किसके उससे साबित करें उन बातों में। अब मुख्यमंत्री का प्रचार कर रहे हैं मैडम, कुलदीप जी होंगे, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हर व्यक्ति अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री की लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं, और कुलदीप जी भी बहुत मजबूती से मुख्यमंत्री की लाइन में है। मान रहे हैं कुलदीप जी होंगे? देखिए, बिल्कुल मजबूती से दावा करते हो, नेशनल पार्टी है, आखिरी फैसला ऑब्वियसली। अब आपका ANT नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ